गुड इवनिंग, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। सनसेट होने को है और कुछ टाइम लैप्स लेने की कोशिश कर रहा हूँ भाई आप लोगों के लिए, पर स्टिल हवा इतनी तेज़ चल रही है कि बोला भी नहीं जा रहा और टेम्परेचर -6 के करीब है अभी और ये है सिवान लेक। अभी 30 किलोमीटर आया हूँ भाई और सी लेवल से 1500 मीटर पे आ गया। सिवान लेक जो है वो 2000 मीटर पे है, तो 2000 मीटर तक जाना है। अभी 40-42 किलोमीटर बाकी है। तीन बज चुके हैं यार और अभी थोड़ा सा ही चला हूँ और देख रहे हो ये पेट्रोल पंप पे खड़ा हूँ और बाहर बर्फ़बारी हो रही है, आप सामने देख ही रहा होगा। और अब शायद चलना मुश्किल होएगा, पर यहाँ पे भी तो रुक नहीं सकते, कोई जगह नहीं है अभी 30 किलोमीटर तक जहाँ हम रुक सकते हैं। कॉफ़ी पिए यहाँ हर जगह नेस्कैफे की कॉफ़ी के मशीनें लगी होती हैं, जहाँ आप अपने हिसाब से अपनी कॉफ़ी वॉफ़ी पीना चाहते हो पी सकते हो। हर पेट्रोल पंप पे मिल ही जाएगी आपको और एक मार्केट मिल जाएगी, पर यहाँ मार्केट है वो उसमें कुछ नहीं है भाई, तो सिर्फ कोल्ड ड्रिंक रखी हुई है तो वो मुझे पीनी नहीं है। क्या करूँ राम मुझे बर्फ मिल गई, क्या करूँ। GPS बंद हो चुका है क्योंकि ठंड में चलता नहीं है, -4 degrees है। इस कैमरे को भी गर्म करके फिर चलाना पड़ता है, नहीं तो ये भी नहीं चलता। और स्टिल आप देख रहे हो बर्फ़बारी हो रही है, बर्फ़ के साथ साथ थोड़ा थोड़ा पानी भी गिर रहा है, वो बड़ा ख़तरनाक है। ट्रैफिक बहुत है इस वजह से, सड़क के ऊपर जम नहीं पा रही, बर्फ़ पिघल जाती है साथ के साथ, तो ये अच्छी बात है मेरे लिए, अदरवाइज स्लिपरी हो जाती तो सड़क तो बर्फ चलना मुश्किल हो जाता भाई। खैर स्टिल 35 किलोमीटर सिवान लेक और अभी भी समझ गए चढ़ना ही चढ़ना है भाई। खैर क्या करे राम हमें बर्फ मिल गया, लग गई वाट। देखो अगले 2.2 किलोमीटर तक 5% का एलिवेशन है और ये बर्फ़ गिर रही है और रास्ते में पत्थर भी गिर रहे हैं 600 मीटर तक, तो अगले 2 किलोमीटर तक और ऐसे ही चढ़ाई पे चढ़ना पड़ेगा।
रास्ते में रुका हूँ यार, और रुका भी क्या हूँ, बर्फ़ से थोड़ा सा बचने के लिए। ये धन्नो खड़ी है और ये देखो, और अभी भी बर्फ़ गिर रही है बड़े ज़ोर से। तो मुझे नहीं लगता कि मैं सिवान पहुँच पाऊँगा इस हालत में, क्योंकि ये रुकने का नाम ही नहीं ले रही यार। और इन्होंने देखो, मतलब मैं अभी तक देखता रहा था, रेस्टोरेंट सारे बंद है रास्ते में, अदरवाइज रेस्टोरेंट वगैरह खुले रहते हैं, पर यहाँ सारे बंद हैं। दोस्तों पता नहीं है मैं कैसे पहुँचूँगा, पर मैं यहाँ नहीं रुक सकता, कोई भी जगह नहीं है यार। ओहो, उठा उठा के रखनी पड़ती है कन्नों का। गिला हो चुका है, सबसे गंदी चीज़ मुझे लगती है ना सर्दी में, ये ग्लाउज गिले हो जाते हैं ना, पाँव वगैरह में और में कहीं दिक्कत नहीं आती। अब ग्लाउज गिले होने से ना अंदर से जम बिल्कुल फ्रीज हो चुकी है उंगलियाँ। आपको आपने पहला वाला वीडियो आपने वीडियो देखा होगा ईरान वाला, जहाँ मैं ग्लाउज लिए थे ना, मेड इन चाइना, सच्ची में मेड इन चाइना है यार, कोई भरोसा नहीं ऐसा लगा, कोई भी काम नहीं कर रहे। ग्लाउज के ऊपर ग्लाउज डाल दिया, ग्लाउज के ऊपर ग्लाउज, तीन ग्लाउज डाल रखे तो भी चिल्ड हो रहा है अंदर से। मुझे लग कि मुझे कोई जगह सर्च कर लेनी चाहिए जहाँ पे तंबू लगा सको या फिर हीटर मिल जाए। मैं पेट्रोल पंप पे रुकूँगा यार, अगर पेट्रोल पंप मिल गया ना तो एक बार पॉसिबल यार। पहले क्या था, जो बर्फ़ गिर रही थी वो पीछे से आ रही थी, और अभी आगे से आने लगी, आँखों में लगती है सभी, आँखों में लग रही है। इसी का नाम तो जर्नी है, इतनी आसान होती जर्नी तो जिंदगी कौन कहते ना। देखना कैसे फूट आइस पार्टिकल आके लग रहे हैं हमको, तो देख नहीं रहे होंगे ना, स्लो मोशन में साइड में एक शहर आ रहा है करविस्तान, शहर तो क्या गांव है, सोच रहा हूँ करविस्तान की तरफ मोड़ने पर, करविस्तान गांव में फिर मुझे 3 किलोमीटर वापस आना पड़ेगा, तो रहने देता हूँ। रात के 11 बजे हुए भाई, बर्फ में चला पूरा दिन। मतलब रेस्टोरेंट के साथ में एक होटल है, वो उसमें आया हूँ रात के 11:30 बजे। टेम्परेचर बाहर -9 डिग्री है, और मतलब बर्फ़ में इतना फंसा कि पूरे दिन, मतलब रास्ते में कोई जगह ही नहीं थी यार जहाँ पे मैं रुकता, तो नीले हो चुके हाथ। अब तो बस मैं सिर्फ बिस्तर में घुस रहा हूँ। इस कमरे में चार हीटर लगे हुए हैं, उन्होंने बेचारों ने बड़ी मेहनत करी है, मुझे थोड़ा सा ठंडक कम हुई है अभी भी। फिर सुबह बात करता हूँ भाई, प्लीज़। गुड मॉर्निंग भाई लोगों, आज उठे हैं भाई, 12 बज गए हैं, तो आज हम रेस्ट करेंगे यहाँ पे और कल निकलेंगे। आज शाम को कुछ लेक साइड घूम के आएंगे, कुछ वीडियो बनाएंगे अगर टेम्परेचर ठीक रहा तो। राइट नाउ मैं टेम्परेचर आपको दिखा दूँ, आप मुझे कहोगे फिर कि ऐसे ही बोल रहे हो आप,
एक सेकंड, ये देखिए -11, और अभी -11 टेम्परेचर है, तो आप समझ सकते हो ना यार। और इस रूम में 4 हीटर लगे हुए हैं तो भी ठंड हो रही है यार, पर रात आने के बाद में नींद बड़ी अच्छी आई है, मज़ा आ गया। कल बुरी हालत हो गई थी धन्नो की, तो मैं सोच रहा था कि धन्नो को भी धो लिया जाए, तो मैंने लेक में छोड़ दिया धन्नो को। हवा चल रही है ना, आवाज़ भी साफ नहीं आ रही होगी यार आप लोगों को। खैर चलता रहेगा, मैं धन्नो को थोड़ा सा नहला लूँ, तब तक आप देखिए ना कैसे धन्नो को नहलाता हूँ। ये तो लेक है जो जमी नहीं है हवा की वजह से, अदरवाइज सब कुछ जमा पड़ा है चारों तरफ। नहला के सुखा दिया, अभी सूख रही है बेचारी, बड़ी परेशान हो रही थी, इतनी मिट्टी चढ़ी हुई थी, पर थोड़ा नहलाया, पूरा नहलाया नहीं। देखिए वो खड़ी है, मैं सनसेट की वेट कर रहा हूँ, सनसेट होते ही हम यहाँ से निकल जाएंगे, कि काफ़ी दिन हो गए, कुछ अच्छे अच्छे फ़ोटो भी तो लेने होते हैं ना, कई बार इंस्टाग्राम पर जाके देखोगे ना तो अच्छे अच्छे फ़ोटो आते हैं कि नहीं आते, वो बताना यार कॉमेंट में, ज़रूर बताना कि आजकल अपनी फ़ोटोग्राफी कैसी है। बाकी तो आप लोगों के कॉमेंट बताएंगे कि अच्छी है कि नहीं है। और जिन भाई ने इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रहे, वो जाके इंस्टाग्राम पे तो फॉलो कर लो ना मेरे भाई। एक अजीब सी चीज़ दिखाता हूँ यार, मैंने धन्नो को धोया तो मैंने सोचा कि फ्लैग को भी साफ़ कर लिया जाए, इंडियन फ्लैग को, तो मैंने फ्लैग को निकाला, साफ़ किया और वापस डाल दिया ताकि सूख जाएगा। तो एक अजीब चीज़ देखो घटी है, ये देखो ये फ्लैग है, इतना ठंडा है कि यहाँ पे सब कुछ कि फ्लैग जो पानी था फ्लैग के अंदर वो जम गया, और फ्लैग है ना मतलब मुड़ नहीं रहा, लोहे के जैसा हो गया, इसके अंदर बर्फ पानी था ना, तो ये भी होता है यार। अब इस चीज़ से आप अनुमान लगा लो कि कितना कम टेम्परेचर है यहाँ पे, तो आप लोगों की राय क्या है, मुझे निकल लेना चाहिए यहाँ से, ज़्यादा बेटर रहूँगा। क्या अमेजिंग सा सनसेट था यार, मज़ा आ गया देख के, देखना पहाड़ों पे कैसे सूरज की लालिमाएं गिर रही हैं, आई हाय। एक्चुअली थोड़े से बादल है उसकी वजह से जल्दी से गिर गया, और बिल्कुल सीज हो चुका है नीचे से, अब देखो मतलब अभी तक बर्फ़ थोड़ी भुरभुरी सी थी, इतनी देर में ही इतनी जम गई है कि देखिए मतलब -8 या -9 के करीब टेम्परेचर जा चुका है, क्रिस्टल बनने शुरू हो गए, क्रिस्टल एक